हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती 2024 बहुत सारी वैकेंसियां हैं। अभी जो वैकेंसी मैं बताने वाला हूं वो ध्यान सुनिएगा। अगर आप लखनऊ के रहने वाले हैं तो फॉर्म आपको भरना है। अगर आप लखनऊ के नहीं भी रहने वाले हैं, आप भारत के किसी भी कोने से बिलोंग करते हैं, रहने वाले हैं, तो भी आप इस वैकेंसी को भरिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें नहीं आपको एग्जाम देना है, नहीं आपका इंटरव्यू होगा, आपका चयन एकदम डायरेक्ट होगा, यानी आपका चयन मेरिट बेस पे होगा। आपकी मेरिट अच्छी होगी तो आपका चयन ले लिया जाएगा, यानी एकेडमिक बेसिस पर चयन होगा। इसमें अगर आपका चयन होता है तो 24,200 रुपए मिलेंगे। अगर आपने बीएड किया है तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप बीएड वाले भी इस फॉर्म को भर पाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है, सभी हमें भी पता है, सबको पता है कि बीएड की कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही है। ठीक है, फिलहाल आपके पॉकेट खर्च निकल जाएंगे, इस वैकेंसी को अप्लाई जरूर करिएगा। जो लोग निराश है, हताश है, उनको मैं यही चीज कहना चाहूंगा, देखिए देर आए दुरुस्त आए। अगर आपने मेहनत किया है उसका फल मिलेगा, लेकिन कब वो समय आएगा ये ऊपर वाला डिसाइड करेगा। आप नहीं डिसाइड कर सकते, नहीं हम डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ मेरा समय आ गया, मुझे फल मिलना चाहिए। ऊपर वाला डिसाइड करे, इसलिए अपने काम को करते रहिए और पॉजिटिव बने रहिए। हम जानते हैं कि हालात कभी खराब होते हैं, पॉजिटिव बनना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी बने रहिए। ठीक है, मैं यही कहूंगा। अपीयरिंग वालों को फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है ये भी हम बात करेंगे आपके साथ। जो लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि वीडियो को पूरा देखा कीजिए, पूरा देखिए, उसके बाद आपको जैसा लगे वैसा कमेंट्स करिएगा, उसके बाद आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर इस चैनल को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका एक छोटा सा सहयोग होगा मेरे भाई बहन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए, अब मैं वैकेंसी के बारे में बता दूं कौन सी वैकेंसी है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ 8 तारीख यानी 6 तारीख को नोटिस आए है, 6 अगस्त को नोटिस है, जिसमें बताया गया है कि संविदा पर भर्ती आई है और 21/8/2024 को शाम के 5 बजे तक इनके निर्धारित एड्रेस पर आपको स्पीड पोस्ट करने हैं सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ। और कितने एनवलोप लगाने हैं, एनवलोप में क्या क्या लिखना है, टिकट लगाना है कि नहीं लिखाना है, एड्रेस क्या है जहां इनको फॉर्म को आपको भेजना होगा, ये सारी जानकारी आपको नहीं पता होगी। आप एक चीज और मैं बता दूं, बहुत सारे कैंडिडेट होंगे कि अभी वीडियो स्किप कर देंगे कि हाँ हमें पता चल गया, फट से फॉर्म डाउनलोड करेंगे लखनऊ, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, भेज देंगे, बाद में कमेंट्स करेंगे सर मैंने फॉर्म भेजा, सर मैं इलिजिबल था फिर भी मेरा चयन नहीं हुआ। वो लोग भी सुन लीजिए, उनकी भी गलती मैं बताता हूँ। आप कहीं फॉर्म भरने में मिस्टेक करेंगे, अगर आप फॉर्म भरने में मिस्टेक नहीं किए तो आप एनवेलप को भेजने में मिस्टेक कर देंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको कितने लिफाफे भेजने हैं। उस अगर मान लें आपको पता है कि भाई 3 लिफाफे भेजने हैं, तीनों लिफाफे को कैसे भेजना है, कौन सा लिफाफे में क्या डालना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ। ठीक है, फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ वो सुनिए। देखिए, 21 अगस्त तक आपके फॉर्म इनके बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए। अब जो वैकेंसी वो पहले सुन लीजिए। देखिए, पूर्णकालीन शिक्षिका की वैकेंसी है विज्ञान की। एज की बात बता दो, बहुत ध्यान सुनिएगा, शायद कोई भी कैंडिडेट हो, कोई भी कैंडिडेट हो, आपकी एज मिनिमम जो होनी चाहिए और मैक्सिमम क्या होनी चाहिए वो सुन लीजिए। आपकी मिनिमम एज 25 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 45 साल। ठीक है, 25 से 45 साल की एज वाले कोई भी कैंडिडेट हैं वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं या फिर SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। 24,200 रुपए आपकी पेमेंट होगी अगर आपका चयन होता है, टोटल 4 है। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, देखिए आपका BSc होना चाहिए अगर आपका विज्ञान की बात किया जाए, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। ठीक है, और उसके साथ आपने टेट क्वालिफाई किया है सेकेंड का, याद रखिएगा, उसके साथ आपने बीएड है या फिर उसके समकक्ष LT हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। समझिए, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका बीएड होना चाहिए, बहुत ध्यान सुनिएगा, बीएड के साथ साथ आपका सीटेट आपका क्लियर है, किसमें सीटेट पेपर सेकंड क्लियर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका सब्जेक्ट BSc में क्या होना चाहिए, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। ठीक है, अब चलिए आगे हम बात करते हैं पूर्णकालीन शिक्षिका की बात करते हैं। अगर हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे कि सर फीमेल को मौका मिलेगा या मेल को भी मौका मिलेगा। देखिए, पहले क्या होता था, कस्तूरबा गांधी में मेल को भी मौका मिलता था, फीमेल को भी मौका मिलता है, लेकिन अब क्या हो गया है कि मेल को मौका नहीं मिलता है। ठीक है, अब केवल फीमेल कैंडिडेट को ही मौका मिलता है। जो फीमेल कैंडिडेट है आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, समय का इस्तेमाल करिए और अपने हक को पाइए, कम से कम आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए गणित की बात किया जाए, गणित में भी यही है, गणित में सेम कंडीशन है। 25 से 45 साल एज क्राइटेरिया दिया गया है, 24,200 रुपए सबको मिलेगा, क्योंकि इसमें सीधे बोला गया है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, साथ में सीटेट पेपर सेकंड क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, अब उस ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, ध्यान सुनिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ठीक है,
और टेट आपका या सी टेट आपका सेकंड पेपर क्वालिफाई है तो बड़ी अच्छी बात है। अब पूर्णकालीन शिक्षिका भाषा हिंदी संस्कृत की अगर मैं बात करूं तो 25 से 45 साल एज की बात किया गया है, 24,200 रुपये और समान एक सीटें हैं जिसमें आपका ग्रेजुएशन हिंदी संस्कृत विषय के साथ स्नातक उपाधि हो, बाकी टेट होना चाहिए आपके पास या सीटेट होना चाहिए पेपर सेकंड का और बीएड होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह सामाजिक विज्ञान का भी है। इसी तरह कला क्राफ्ट की अगर मैं बात करूं, अगर आपका कला क्राफ्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 12,181 रुपये आपको मिलेगी सैलरी। आपका स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि यानी कला क्राफ्ट या संगीत में से किसी एक विषय के साथ आपका स्नातक होना चाहिए यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपका टेट उत्तीर्ण होना चाहिए, टेट हो उच्च प्राथमिक, समझ रहे हैं, आपका उच्च प्राथमिक यानी 6 से 8 वाले यानी पेपर सेकंड आपका टेट, अगर मैं बोलूं टेट पेपर टू की बात किया, अगर सीटेट बोलूं तो सीटेट पेपर टू, अगर ये क्वालिफाई है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं अंशकालीन कंप्यूटर की बात, इसमें 12,181 रुपये मिले, इसमें भी सेम कंडीशन है, एनसीटी से मान्यता प्राप्त मान, ठीक है, स्नातक होना चाहिए, बीएड होना, उसके साथ साथ ये चीजें होनी चाहिए, साथ साथ आपका कंप्यूटर शिक्षक हेतु पीजीडीसीए या बीसीए होना चाहिए, ओ लेवल का सर्टिफिकेट है चलेगा। आप इस पीडीएफ को आप पढ़ सकते हैं टेलीग्राम पर जाकर, ठीक है, टेलीग्राम पर चले जाइएगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हम अंशकालीन शिक्षिका की बात करें, शारीरिक शिक्षा की बात किया जाए तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर शारीरिक शिक्षा बीपीएड सीपीएड और डीपीएड आदि उपाधि शारीरिक शिक्षा के अध्यापक के लिए मान्यता प्राप्त, ठीक है। शारीरिक शिक्षा मुख्य रसोइया, देखिए अगर आप रसोइया के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या सहायक रसोइया के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए भी वैकेंसी है भाई साहब, ध्यान सुनेगा, 8,577 स्टार्ट होगी, किसके लिए, मुख्य रसोइया के लिए और सहायक के लिए 6,433, इसमें 8 पास होना चाहिए और शारीरिक रूप से एकदम स्वस्थ होना चाहिए। चौकीदार की भी वैकेंसी है जिसमें 8 पास बोला गया, जिसमें 7,147 रुपये, चपरासी की वैकेंसी 7,147 रुपये। अब आपको करना क्या, ये तो वैकेंसी के बारे में डिटेल बताया, अब आपको करना क्या है वो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप फॉर्म को जान गए हैं, अब भरना कैसे वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसको वो ध्यान सुनिएगा, ठीक है। आवेदन पत्र साफ सुंदर अक्षरों में साफ, ठीक, हस्तलिखित, मतलब आपके जैसे लिखते हैं उसी में भरा होना चाहिए, पूर्ण रूप से बायोडाटा अंकित होना चाहिए, हस्ताक्षर अच्छे से होना चाहिए, सब कुछ अच्छे से भरा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका चयन, यहाँ पर सीधे बोला गया है दूसरे पॉइंट में, आपका चयन मेरिट बेस के आधार पर होगा, ठीक है, मेरिट पर। अब सभी पदों पर मानदेय राज्य परियोजना के समय समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार दिए होगा, समय समय पर चेंज भी हो सकता है। अब और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, देखिये यहां पर बोला गया क्या, देखिये आवेदन पत्र पर आवेदित पद, जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उसका नाम, उस पद नाम वर्ग विषय के साथ लिफाफे के ऊपर स्पष्ट मोटे अक्षरों में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, ठीक है, उस पर अंकित होना चाहिए। अगर देखिए जब आप एनवेलप भेजेंगे, लिफाफा लेंगे, उसके ऊपर लिखा होना चाहिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी बात और क्या बोला गया है, छठवें पॉइंट में ध्यान सुनिएगा जो मैं बताने वाला, आवेदन पत्र के साथ अंक पत्रों, प्रमाण पत्रों, चरित्र प्रमाण पत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त हो यानी प्रमाणित हो, आप इन सभी चीजों को संलग्न करिएगा, जिसकी फोटोकॉपी यानी उस फोटोकॉपी पर आपको साइन होना चाहिए, उसको संलग्न करना यानी लगाकर आपको फोटोकॉपी भेजनी है। और जब आपकी काउंसलिंग के लिए, मतलब आपका नाम जब आ जाएगी लिस्ट में तो आपको काउंसलिंग के लिए वहां जाना होगा, ठीक है, तो उसके साथ आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे जो आप लगाएंगे। और आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पहचान पत्र का पता लिखा 3 लिफाफे जिसमें प्रत्येक, ठीक है, आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पर्चा पत्राचार का पता लिखा 3 लिफाफे जिसमें प्रत्येक 45 रुपये का डाक टिकट लगा दे। अब देखिए बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे बच्चे कमेंट्स भी किए हैं कि सर ये तीनों लिफाफे करने क्या है, ध्यान सुनिएगा, आपको 3 लिफाफे लेना है, उन तीनों लिफाफों को कुछ नहीं करना है, आपको तीनों लिफाफों पर अपना एड्रेस लिख देना है, ठीक है, आपके घर का पता पूरा लिख दीजिएगा और उस पर 45 रुपये का टिकट लगा दीजिएगा, उन तीनों लिफाफों को एक साथ रखिएगा, एक चौथा लिफाफा लीजिए बड़ा वाला, उस चौथा लिफाफा जो लीजिएगा वो बड़ा लिफाफा हो जिसमें ये तीनों लिफाफे उसके अंदर आ जाए, ठीक है, क्योंकि जब अब ये 3 लिफाफे छोटे छोटे हैं, ठीक है, अब एक बड़ा वाला लिफाफा लेंगे जिसमें ये तीनों लिफाफे को इसमें डालना है, आपको करना क्या, इन जो तीनों लिफाफे लेंगे इस पर आपका नाम लिखा होना चाहिए और मतलब आपका एड्रेस, अब इन तीनों लिफाफों को 45 रुपये का टिकट, हर एक लिफाफे 45-45 का टिकट लगाकर इस बड़े वाले लिफाफे में चिपका देना है और बड़े वाले लिफाफे पर भी 45 रुपये का टिकट लगवा दीजिएगा, ठीक है। अब लगाकर एक बड़े लिफाफा डाल दिया, उसके बाद
उसके बाद जब बड़े डाल देंगे उसके साथ साथ, और ये फॉर्म आपको मैं दिखा रहा हूँ, इस फॉर्म को आपको करना क्या, बहुत ध्यान से लिखिएगा, इस फॉर्म को डाउनलोड करिएगा, इस फॉर्म को भरिएगा, इस फॉर्म में जो जो आपको मेंशन करेंगे, जैसे देखिए आपने, अगर आपने मान लिया आप अप्लाई कर रहे हैं विज्ञान के लिए, तो आप हाई स्कूल में आप किस बोर्ड से थे, विषय क्या था, कौन सा वर्ष में पास किया, पूरा पूर्णांक कितना था, कितना प्राप्त किए और प्रतिशत कितना बना, ये सारा मेंशन करिएगा। ये जो जो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे उसकी फोटोकॉपी, ये डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी लीजिएगा, उस फोटोकॉपी पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए, उस सिग्नेचर, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट को चौथे जो लिफाफा मैं बता रहा हूँ, जो चौथा बड़ा वाला लिफाफा लेंगे, उसमें आपको भर कर इनके बताए हुए एड्रेस पर आपको भेज देना है, ठीक है। अब आप पूछेंगे सर इनका एड्रेस क्या है, वो तो बता दीजिए। देखिए भाई, आप जब खोलेंगे इनके साइट पर तो आपको खुद दिख जाएगा इनका एड्रेस है क्या। देखिए आपको मैं बता दूं, इनके एड्रेस स्पष्ट रूप से दिया है, इनका एड्रेस लिखा हुआ, आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको मिल जाएगा इनके एड्रेस पर। देखिए क्या लिखा है, ध्यान सुनिएगा, और देखिए लिखा क्या है वो सुनिएगा ध्यान से, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय लखनऊ, ये देख रहे हैं लखनऊ, इनके जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में इनके बताए हुए एड्रेस पर डाक के द्वारा, मतलब पंजीकृत रजिस्टर्ड डाक के द्वारा भेजना, याद रखिएगा रजिस्टर्ड डाक के द्वारा भेजना है इनके एड्रेस पर, ठीक है। और दूसरी चीज बता दो, अगर आप इस वैकेंसी को सर्च करना चाहते हैं तो लखनऊ डॉट एनआईसी डॉट इन पर जाइएगा, फिर नोटिफिकेशन नोटिस में जाइएगा, वहां पर आप देख सकते हैं पूरा अच्छे से, ठीक। ये चीजें आपको मैं बता दिया बड़े ध्यान से। और देखिए आप पूछेंगे सर एड्रेस तो आपने बताया नहीं, एड्रेस को आप इसमें पढ़ सकते हैं, जब आप पढ़ेंगे इसमें तो आपको एड्रेस समझ में आ जाएगा कि एड्रेस कहाँ लिखा है, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो हमें कमेंट्स करिएगा, हम आपको बता देंगे कि एड्रेस लिखा गया, क्योंकि कुछ तो काम आप भी कर लीजिए, क्योंकि एड्रेस आपको इसी में लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। और अगर कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट्स करके हमसे बात करिएगा, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर आप अदर जिले से बिलोंग करते हैं, जहां पर आप वैकेंसियां जानना चाहते हैं, तो कमेंट्स करिएगा अपने जिले का नाम, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद एक ऐसा कमेंट्स करिएगा जो इस वीडियो में बताया गया, उससे हमें यह लगेगा कि हाँ बच्चे ने वीडियो देखा है, तभी हम आपके एरिया की सर्च करेंगे कि हाँ आपके एरिया में वैकेंसी आई है, ठीक है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, अगर अच्छा लगा तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो भी कमेंट्स करके बताइएगा, ताकि हमें भी तो पता चले कि बच्चों को क्या अच्छा नहीं लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे कामों में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।